अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं मोबाइल डेटा ऑन है, फिर भी जो है हमारा यहाँ पे कोई भी एरो वगैरह शो नहीं हो रहा है। डेटा ऑन होने की सूरत में भी यहाँ पे डेटा ऑन नहीं देखने को आ रही है। तो ये दोस्तों जापानी शार्प R3 फ़ोन है, कोई भी जापानी गेमिंग फ़ोन हो, सब में जो है ये मसला आता है। और इसका सॉल्यूशन सभी का है कि R3 हो, सोनी हो, कोई भी हो, शार्प का हो, अक्वास है, शार्प हो या सोनी हो, एक्सपीरिया में कोई भी सेट हो, सॉल्यूशन है कि सिर्फ इस वीडियो को आप एंड तक देखो, इसके वगैरह ना करना, फिर आपको जो है अच्छे से समझ में नहीं आएगा। थोड़ी सी पॉइंट आपने मिस कर ली फिर भी आपको समझ नहीं आ जाएगा। तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको जो है जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट में। उसके बाद यहाँ पे इनकी जो है ये सेटिंग आ जाती है। उसके बाद आपको जाना है एडवांस में, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क में जाना है सॉरी। और उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं मोबाइल डेटा, इसको फ़िलहाल ऑफ करना है, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है एडवांस में। एडवांस के जो है जाने के बाद नीचे करोगे यहाँ पे एसएस पॉइंट नेम से होगा, यहाँ पे आपको फिर प्लस का साइन होगा, उसको दबा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी सिम है उसका नेम और आगे वर्ड कुछ भी आप लिख सकते हो, .com सिम का नेम लाजमी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे jaznet.com ये लिख के आपको सिंपल सेव कर लेना है बस। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है इस पॉइंट पे, पॉइंट पे क्लिक करके फिर से आपको जो है यहाँ पे डाटा ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो अभी 4G LTE आ गया। तो बस इतना ही फंडा है और कुछ भी नहीं। कोई भी जापानी फ़ोन हो, ये आप मेथड ट्राई कर दोगे तो 100% आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।